अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके मोबाइल में अगर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, और इसके अलावा ये वाला लॉक लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं तो ये वाला मैसेज आता है, तो आप इस तरह का भी लॉक लगा सकते हैं। जैसे मैं फोर क्लोज पर क्लिक करूँगा आपकी व्हाट्सएप ऑफ हो जाएगी, कोई भी आपके व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो आपको पास ये वाला लॉक नजर आएगा। और इसके अलावा आपके पास एक ऐसा लॉक बताऊँगा जिससे आपका मोबाइल कोई भी पकड़ेगा तो उसकी ऑटोमेटिक पिक्चर उतर जाएगी। तो ये तीन चार लॉक बताऊंगा, लेकिन ये सारे लॉक एक ही एप्लीकेशन में हैं जो कि आप मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन में अलग अलग लगा सकते हैं लॉक। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मोबाइल भी सिक्योर होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके पास ग्रुप्स व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर, सब पर ये वीडियो शेयर कीजिएगा और नीचे लिखिएगा DONE डन, जल्दी से जाएं और डन लिखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है परफेक्ट ऐप लॉक। आपने चला जाना है कोई भी एक ब्राउजर पे, वहाँ पे जाकर सर्च कर लेना है कासिम 726, या आप गूगल पर सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके पास ये दूसरी वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है कासिम 786 ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूंगा आपके पास इस तरह की ये वेबसाइट शो हो जाएगी, तो आपके पास ये वाला लॉक आ जाएगा, परफेक्ट ऐप लॉक। अगर आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, तो सिंपल आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है परफेक्ट ऐप लॉक, या सिंपल ऐप लॉक भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे आप ऐप लॉक सर्च कर रहे हैं तो सर्च किया तो आपके पास ये पहले नंबर की ही एप्लीकेशन आ जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका लोगो चेक कर लीजिएगा, जैसे आप इसको कर लेंगे तो ये देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करूँगा, जैसे इसको ओपन करूँगा या आप इस कंट्री लॉक प्लीज़ एंटर पासवर्ड, तो आपके पास ये हिंट आपको दे रहा है, मैं 4x7 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। आपसे ये परमिशन मांगे तो आपने परमिशन दे देनी है, उसके बाद ओके कर दूंगा, ठीक है। अब आपके पास ये सारी की सारी एप्लीकेशन आ रही है और यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के लॉक आ रहे हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के लॉक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल क्रोम पर ये फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं फिंगरप्रिंट ये वाला लॉक लगा दिया है। अब आप कहेंगे कैसे लगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। गूगल क्रोम पे आया हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर इस पर स्कैन कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन एक्सेस डिनाइड दे रहा है। मैंने इसको इसको ओपन कैसे करना है, पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर। आपने इस पर सेंसर पे क्लिक नहीं करना, ये एक सीक्रेट ट्रिक है। आपने पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपने फिर दोबारा से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं एस उसके बाद आ चुकी है, और यहाँ पे आप ये पासवर्ड सेट कीजिए और इसको ओके कीजिएगा, ये गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। ये था पहला लॉक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे लॉक की तरफ। दूसरा लॉक बहुत ही कमाल का है। अब आप ये पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये था गूगल क्रोम पे मैंने लगाया था, इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आप सेटिंग में जाएं, यहाँ पे इसके एक पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट पासवर्ड करूँगा, जैसे सेटिंग में जाएंगे और इसको परमिशन देनी है, परमिशन नहीं देंगे तो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इंस्टॉल आप देख सकते हैं परफेक्ट ऐप लॉक प्लग इन डू यू वॉन्ट नहीं कैंसिल, हमें नहीं जरूरत है। यहाँ पे हम कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड कर देते हैं। जैसे मैं 222333 कर देता हूँ, ओके करूँगा 222333, ओके कर दिया। ये पासवर्ड हमारा सेट है। पासवर्ड रिकवरी ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप दूसरी ऑप्शन बहुत ही कमाल की, जैसे गूगल क्रोम पर मैं दोबारा से ये वाला लॉक लगा रहा हूँ, आपके पास एक ट्राइंगल बनी है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा आप चेक कीजिएगा ये वाला मैसेज आएगा। अब मैंने आपको जब स्टार्ट में बताया, आपने सिंपल फोर क्लोज नहीं कर, इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। आपने वही पासवर्ड लगाना है 3 जो आपने सेट किया था, सेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके ही तीसरे लॉक की तरफ, बहुत ही कमाल का है। मैं सारे आपको लॉक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो जी ये एप्लीकेशन आपसे मांगे तो आपने परमिशन लाजमी इसको दे देनी है। तीसरा है, यहां पे क्लिक करें स्क्रीन ऑटो रोटेशन। अगर आप रोटेशन करते हैं अपने मोबाइल की तो ये ऑटो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मुझे इतना फर्क फायदा नहीं हुआ। आपने ये आपके पास एक ये भी आ रहा ऑप्शन ब्राइटनेस स्क्रीन फिल्टर, आप कर सकते हैं, आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौथा लॉक बहुत कमाल का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ऑथेंटिकेशन को मैंने या फिर मैंने गूगल क्रोम को यहाँ से ये लॉक किया, ये चौथा और ये वाला लॉक एक जैसा ही है। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ किया, उसको ऑन करूँगा तो आप चेक कीजिएगा। मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, गूगल क्रोम पे गया हूँ, ये सिंपल पासवर्ड वाला आ गया। आपने सिंपल यहाँ पे गूगल क्रोम का पासवर्ड लगा देना है, जो आपने वहाँ पे सेट किया, तो ये गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। ये चार पासवर्ड थे जो कि आप
एक ही एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।